हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मिशन मंगल और बाटला हाउस के प्रोडक्शन के बारे में, अभी तक किस तरह से कलेक्शन आया उसके बारे में और बहुत कुछ चीजें आपको बताऊंगा। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि भैया तू अंधाधुन बताता है, तेरी कोई बात सही नहीं होती है, तो बहुत गलत बताता है। मैं ये कहूंगा कि मैं कम से कम बताता तो हूं, दूसरी बात ये कहूंगा कि गलत बताने की यहाँ पर बात ही नहीं होती है। जब बड़े बड़े चाचा लोग कलेक्शंस के अपडेट नहीं दे रहे, बड़े बड़े तुजम खा कलेक्शंस के अपडेट नहीं दे रहे, अगर मैं लॉजिकल वे से आपको बताता हूँ कि इस फिल्म का रेंज किससे कितना तक हुआ होगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और जिस तरह से मैं मेरा रेंज बताता हूँ, चाहे वो आप कोई भी ट्रेड वेबसाइट ले लो, चाहे आप कोई प्रोड्यूसर्स के फिगर ले लो, उसके आसपास ही होंगे और कई बार तो एकदम सही भी होंगे। तो यहाँ पर जो उछले लोग आ रहे हैं, है ना, तो उनको बता दो कि ये मैं सीरियस काम करता हूँ। और जहां तक कहीं किसी ने कहा कि भाई तू व्यूज के लिए कुछ भी करेगा, तो व्यूज के लिए मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ, और करने का होगा तो करूंगा, और क्यों नहीं करूं, मेरा चैनल है। लेकिन मैं अभी भी उतना गिरा नहीं हुआ हूँ जितना आप समझ रहे हैं। वो बाकी चैनल्स पे जो आपको मिलता ना, एक दिन में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ फिल्म कमा लेती है, वो बंदा मैं नहीं हूं। तो मेरे से आके अड़ना नहीं वो भी चीज ओके कि भाई ऐसा वैसा बनाता है। एनीवेज, ज्यादा माइंड को हाइपर नहीं करना चाहता हूं मैं आपके भी ना तो मेरे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी जितना मुझे सही लगता है वही मैं बताऊंगा हमेशा आपको, और जो मुझे सही लगे तो मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं हमेशा आपको अपनी फैमिली समझता हूं और मैं पूरा हक मानता हूं आप पर भी, और मैं ये कोशिश ही करता हूं कि भाई सच बताओ, अपनी फैमिली को झूठ नहीं बताना चाहता। चलिए बात करते हैं चीजों की। सबसे पहले बता दो कि प्रोड्यूसर्स फिगर कल का अपडेट नहीं हुआ, लेकिन कल का मतलब 13वें दिन का, लेकिन ट्रेड फिगर अपडेट हुआ था। ट्रेड फिगर के बारे में मैं बताता हूं चीजों के हिसाब से, ठीक है। तो 13 दिन का जो मैं प्रेडिक्शन था वो 2.5 से 3.5 करोड़ का था, और अगर ट्रेड फिगर की बात करें तो 3.5 करोड़ इस फिल्म ने कमाई की, और उसके हिसाब से 171 करोड़ फिल्म का कलेक्शन हो गया था, यानी कि प्रोड्यूसर्स फिगर में भी कुछ 5-10 लाख का ही उछाला था, ठीक है। यानी कि 171 करोड़ हो गया था 13 दिन तक। और यहाँ पे अगर बाटला हाउस की बात करें, बाटला हाउस का कलेक्शन 1.90 करोड़ आया, और हमेशा हम ट्रेड से ज्यादा ही देख रहे बाटला हाउस का कलेक्शन, तो 2 करोड़ आप पकड़ लीजिए, यानी कि 90 करोड़ टच कर लिया था किसने, बाटला हाउस से 13वें दिन तक का। अभी 14वें दिन मतलब कल का क्या हाल है वो बता दूं, कल का क्या कलेक्शन आया होगा। कल का प्रेडिक्शन में आया था 2.25 से 3 करोड़ के आसपास, ठीक है, और इस हिसाब से जो पता चल रहे हैं आंकड़े वो करीबन 3 करोड़ के आसपास के आंकड़े पता चल रहे हैं, यानी कि 174 करोड़ तक का कलेक्शन आफ्टर 14 डेज इस फिल्म का हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 14वें दिन की बाटला हाउस के बारे में। तो मेरा जो वो था रेंज, एक सेकंड, हाँ, मेरा जो रेंज था 1.25 करोड़ से 2.25 करोड़ तक का, और जिस हिसाब से कलेक्शन आ रहे हैं उस हिसाब से 1.75 करोड़ तक के आंकड़े पता चले हैं किसके, बाटला हाउस के, यानी कि 2.25 करोड़ का। और जो कलेक्शन रेंज अभी तक नजर आ रहा है बाटला हाउस का 14वें दिन के बाद, वो है 92 करोड़ तक का। तो ये हो गया 14 दिन का आपका क्लियर। अब 15 डे का प्रेडिक्शन में बताता हूं, 15वें दिन 2 से 3.25 करोड़ तक फिल्म कमा सकेगी, 2 करोड़ से 2.75 करोड़ मिशन मंगल, और ऐसा कलेक्शन 176 से 176.50 करोड़ तक जाने की पूरी संभावना है। और जहां तक बात करें बाटला हाउस की, 1 से 1.5 करोड़ तक ऐसा कलेक्शन होगा, और इसके हिसाब से टोटल जो नजर आ रहे हैं 93.50 करोड़ तक जा सकते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, और वापस से कोई पूछेगा तो 1 से 1.5 करोड़ बाटला हाउस, और मिशन मंगल को मैं यहाँ पर कहा था 2 से 2.75 करोड़। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से आज का रिस्पॉन्स होगा जरूर बताएगा, और जैसे जैसे प्रॉपर अपडेट्स मिलते हैं वैसे वैसे मैं और अच्छे से आपको बता जाऊंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि कल से दोनों ही फिल्मों की हालत खराब होने वाली है। चलिए फिलहाल इतना ही।